सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ कमलप्रीत सिंह, ते पंजाब मेल खबरां विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। पंजाब मेल खबरां दे स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा, रियल एस्टेट की दुनिया का मन्या पर मन्या ना। करोना नूं लैके पुलिस ने गुरदासपुर विच कीती सख्ती, ते मौके ते ही कीते जा रहे ने करोना टैस्ट। गायक मास्टर सलीम का मास्क ना पाउण ते पुलिस वलों कीता चलान, 1000 रुपये जुर्माना। डॉक्टर दलजीत चीमा ने पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ते साधे निशाने। डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा पंजाब सरकार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई विच सूबे के लोगों दी मुश्किलां ते समस्यावां दे हल लई वचनबद्ध। दो लड़कियां नूं मौत दे घाट उतारन वाला हथियारा 24 घंटिआं च पुलिस दे अड़िके। बाइडन प्रशासन की पहली वार्ता च चीन ते अमरीका विचाले तनाव। अमरीका ने पास किया नवा बिल, 5 लाख लोगों का सुफना होगा पूरा। अते अमरीकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने पीएम मोदी नाल कीती मुलाकात। ते हुण खबरां विस्तार नाल। करोना दे वध रहे मामलों नूं लैके गुरदासपुर विच पुलिस ने सख्ती वरतदिआं मास्क ना पहनण वालिआं दे जिथे मौके ते ही करोना टैस्ट करवाए, उत्थे लोकां नूं एहतियात वरतण की अपील भी की। जिला प्रशासन ने कहा कि हदायतां की पालना ना करन वालिआं खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देखो जी, जो करोना दे केस जिहड़े लगातार वधदे जा रहे हैं, तुसीं अखबारां जी पढ़िया वैसे ही वेख्या वा भी कई डैथ हो चुकी हैं। मानयोग पंजाब सरकार दे हुकमां ते, मानयोग DC साहब दे हुकमां ते, मानयोग SSP साहब दे हुकमां ते असीं जिहड़ी आ जो पंजाब सरकार वल्लों गाइडलाइन जारी कीतियां गईआं उहदी पालना करदे होए जो रात 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक करफ्यू लगा वा, उहदे संबंध भी असीं रात लोकां नूं जागरूक करके बिल्कुल असीं 9 बजे दुकानां तों पहले सारियां बंद करातियां सी। अज भी जिहड़े लोग कोई जिहड़े मास्क नहीं पहन रहे आ उहनां नूं अवेयर कर रहे हां, जिन्हां ने मास्क नहीं पाया अपना हैल्थ डिपार्टमेंट दी टीम साडे नाल आ, असीं उहनां दे नाल नाल करोना टैस्ट करवा रहे हां। मेरी सारे शहर वासियां नूं, पंजाब वासियां नूं अपील आ कि जो करोना का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है तो बचने लिए जिहड़ा मास्क जिहड़ा सब तो जरूरी है, हाथों नूं सैनिटाइजर करो, एक दूसरे तो दूरी बना के रखो, बिना मतलब एवें कैसे अपना काम ते बिना काम तो शहर विच ना आओ। बार बार यही रिक्वेस्ट आ भी जिहड़ा वा इहदा मास्क की जरूर वरतों करो। पिछले दिन ही गायक मास्टर सलीम का मास्क ना पाउण ते चलान किया गया और इसलिए पुलिस ने 1000 रुपये का जुर्माना भी किया। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ते निशाना साधदिआं कहा कि पंजाब सरकार वल्लों करोना दी मीटिंग तो बाद साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दी करोना रिपोर्ट नूं पॉजिटिव दसदिआं मीडिया नूं गलत जानकारी दित्ती। उन्हां कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल दी करोना रिपोर्ट नैगेटिव आई है, सरकार नूं साबका मुख्यमंत्री दे बारे सोच समझ के बोलना चाहीदा है। मैनूं बहुत इस गल दा अफसोस है कि हुणे ही सरकार दी मीटिंग होई है, कोविड के उत्ते मीटिंग हुई है और मीटिंग तो बाहर निकल के सेहत मंत्री साहब ने सरदार प्रकाश सिंह बादल के करोना पॉजिटिव होने की गलत खबर जी है मीडिया को दी। मैं मंत्री साहब नूं उन्हां दे महकमे की कल की रिपोर्ट दिखाना बादल साहब की कि वह और उन्हां दे नाल जिहड़ा स्टाफ सी सारे करोना नैगेटिव है,
मैं मुख्यमंत्री जी नूं पुछदा हां कि तुहाडे तों पहला जिहड़े मुख्यमंत्री रहे आ साबका मुख्यमंत्री उन्हां दे बारे च इस तरह की खबर तुहाडे सेहत मंत्री कोविड की मीटिंग तों बाद दे रहे ते किन्नी कु तुहाडी सीरीयस मीटिंग है जिहदे विच तुसीं कोविड नूं रिव्यू कीता। सरकार नूं थोड़ा गंभीर होना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, इस तरीके पैनिक जिहड़ी आ ओह क्रिएट नहीं करनी चाहिए। मैं समझदा कि मुख्यमंत्री इस गल दा जिहड़ा ओह गंभीर नोटिस लैण। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्री कुलवंत सिंह ने जिला प्रशासन वालों भरोसा दवाया कि लोगों की शिकायतों पहल के आधार उत्ते हल किया जाएगा और विकास कार्यों सरकारी मापदंडों मुताबिक पूरा किया जाएगा। उन्होंने दसिया कि पिछले समय दौरान कमेटी को आई शिकायतों का संबंधित विभागों वालों निपटारा किया गया है। जिन्हें भी शिकायतें से उन्होंने गंभीरता के नाल विचार किया गया और अधिकारियों को इस गल दी हिदायत जारी कर दी है कि यह टाइम बोन जिन्हें भी शिकायत किसी दी आउंदियां हैं उन्होंने सही टाइम के उपर जनवैसेज नूं दूर किया जाए और ये पिछलियां जिहड़ियां शिकायतें सी उन्हां दा रिव्यू किया गया और तमाम अधिकारियों को इस गल वास्ते हिदायत जारी कर दित्तियां गईयां और ये हुण जिहड़ी मीटिंग है वह हर महीने होएगी और मैं लोगों को कहूँगा कि उन्होंने किसी भी किस्म की परेशानी है किसी किस्म की शिकायत है और सच्ची इतलाह देन ठीक इतलाह देन और उस दे कार्रवाई समय सिर होएगी और किसी भी अधिकारी इंसाफ दे विच विलंब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और हर एक इंसान की गल सुनी जाए हर इंसान की तकलीफ जो सुनी जाए और टाइम सिर उसकी तकलीफ का हल निकले। अज ये मीटिंग जिहड़ी सी सारे अधिकारियों नाल बैठ के ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਲੋੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਰ ਵੀਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। 11 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅਸਰ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਚਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਕਿ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਉਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਆ ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀਰੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਚਕੱਟੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਰੇਲਵੇ 'ਚ? ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਰਾਤ ਕਾ ਕਰਫਿਊ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਸੇ ਲਾਗੂ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਘੁੰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਕੋ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਸਖਤੀ ਸੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂਕੇ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ
मौत के घाट उतार दिता सी। जिसकी सूचना मिलने पर मोगा पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने दसिया कि पिंड शेखा पुलिस थाना समालसर मोगा दियां रहन वालियां दोवें पीड़ित लड़कियां भैन सन। अमनदीप कौर की उम्र 23 साल और कमलप्रीत कौर की उम्र 24 साल सी। लड़की अमनदीप कौर दशमेश कॉलेज डगरू विखे इम्तिहान देन गई सी ते उसकी भैन कमलप्रीत कौर उस नाल कॉलेज गई हुई सी। जदों प्रीख्या पूरी होने तो बाद दोवें लड़कियां अपने पिंड जा रही सन तो मुलजम गुरवीर सिंह पुत्र जगदेव सिंह सरपंच पिंड शेखा उन्होंने मिलिया तो जबरदस्ती उन्होंने अपनी कार विच अगवा किया। अगवा करन तो बाद मुलजम कार नू बागा पुराना खेतर वल लै गया। रस्ते विच किसी गल उत्ते आपसी बहस होण उपरंत निहाल सिंह वाला नेड़े पिंड मानुके पहुँचन ते मुलजम ने लड़कियां ते 5 गोलियां चलाईयां जो कि उन्हां दे गर्दन अते सिरां ते वज्जियां, जिस कारण एक पीड़ित दी मौके ते ही मौत हो गई अते दूजी हस्पताल लिजांदे समय पूरी हो गई। इस घटना नू बहुत ही गंभीरता नाल लैंदिआं मोगा पुलिस ने पूरी कोशिश की अते अखीर मुलजम नू 24 घंटियां विच कार अते 32 बोर रिवॉल्वर समेत गिरफ़्तार कर लिया। दसनयोग है कि मुलजम का पिता पिंड शेखा का सरपंच है। इस मामले संबंधी FIR IPC 25-27-54-59 तहत आर्म्स एक्ट अधीन पुलिस थाना निहाल सिंह वाला जिला मोगा विखे दर्ज की गई है अते दोषी पासों पुछगिछ जारी है। ये जिहड़ा अक्यूज्ड आ जी ये गुरवीर सिंह आ शेखा पिंड समालसर थाने जिला मोगा च उत्थों दा रहण वाला ते दो लड़कियां अमनदीप ते कोमलप्रीत ये भी दोवें सकियां भैणां ने भी वो सेम पिंड दीयां रहण वालियां ने उन्हां नूं पिंड दे होण करके जाणदा भी सीगा अक्यूज्ड। इन्हां चों जिहड़ी अमनदीप आ इहदा एग्जाम सीगा दशमेश कॉलेज डगरू दे विच कल ये आपदा एग्जाम देण लई आई सीगी ते इहदी भैण इहदे नाल सीगी ते एग्जाम देण तों बाद जदों ये वापस जा रहियां सीगियां ते जिहड़ा मुंडा हैगा वा गुरवीर सिंह इन्हें इन्हां नूं जबरदस्ती अपनी गड्डी दे विच सिट लिया ते गड्डी नूं तेज़ रफ्तार दे नाल भजा के ते बागे पुराने तों हुंदा होया निहाल सिंह वाला साइड माणूके पिंड पहुँच गया। रस्ते च इन्हां दी ताकी जिहड़ी हैगी तकरारबाजी हुंदी रही और कई तरह दीआं जबरदस्तियां करन दी कोशिश करदा रहा ते जदों उत्थे माणूके पिंड पहुँचा ते कुड़ियां ने बहुत ज़्यादा जदों विरोध किया तो इन्हों गड्डी इन्हें थोड़ी स्लो हुई तो एक कुड़ी विच उतर गई इन्हों की एक भैन विच उतर कामयाब हो गई। इन्हें तहस चा के दोवां दे गोलियां मारियां इहदे कोल रिवॉल्वर च 5 राउंड सीगे 5 ते 5 ही इन्हें फायर करते और एक लड़की दे सिर च गोली लगी तो एक सज्जी बांह ते दूसरी दी भी सज्जी बांह दे उत्ते गर्दन च दूसरी गोली लगी। सो एक लड़की दी ते मौके ते डैथ हो गई ते दूसरी लड़की जिहड़ी आ फरीदकोट हॉस्पिटल च दम तोड़ गई। पंजाब स्टेट कर्मचारी दल जिला फतेहगढ़ साहिब वालों अपनी विधानक मंगा नूं लैके पंजाब सरकार खिलाफ़ रोस विखावा किया गया, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला फतेहगढ़ साहिब के प्रधान सुच्चा सिंह रैलों की अगवाई हेठ जथेबंदी दे जिला दफ्तर तो जिला प्रबंधकी कंपलैक्स फतेहगढ़ साहिब तक रोस मार्च किया अते पंजाब सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। उपरंत प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री दे नाल ADC डिवेलपमेंट नूं मंग पत्र सौंपया। इस मौके जिला प्रधान सरदार रैलों ने कहा कि जथेबंदी वालों पंजाब के सरकारी ते अर्ध सरकारी मुलाजमान दीयां मंगां दे हल लई लगातार पंजाब सरकार नूं मंग पत्र भेज के मीटिंगां दा समां मंगिया जांदा रहा है, परंतु सरकार दा रवैया ना पक्खी ही रहा। सरदार रैलों ने दस्सिया कि जथेबंदी वालों महंगाई भत्ते दीयां बकाया किश्तां अदा करन मुलाजमान ते पेंशनरां दीयां बकाया DA किश्तां 6वें तनखाह कमीशन की रिपोर्ट तुरंत लागू करन पंजाब एडहॉक कंट्रैक्चुअल डेली वेज वर्क चार्ज ते आउटसोर्सिंग एम्पलॉयज़ वेलफेयर एक्ट 2016 बेलोड़े अड़के बंद करके समुचे 3 सालों की सेवा मुलाजम पक्के करन अते आउटसोर्सिंग मुलाजमान नूं सीधे विभाग अधीन लियाउण अते निजीकरण बंद करन की लगातार मंग की जा रही है, पर कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 सालों दौरान उक्त विधानक मंगां दा हल करन तों पासा वटिया होया है। उन्हें कहा कि जदों तक सारियां मंगां बिना शर्त प्रवान नहीं कीतियां जांदियां साडा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन सीगा जिहदे विच साडे पंजाब दे सारे जिलियां दे वाइज साडे जथेबंदी वालों पंजाब स्टेट कर्मचारी दल वालों एक प्रोग्राम लिखा गया, क्योंकि जिहड़ी साडी सरकार पंजाब सरकार कैप्टन सरकार हैगी आ उह मुलाजमान नूं आम किरती वर्गां नूं किसे लई उन्होंने साडे जिहड़ा पे कमिश्नरों के कोई भी सानू राहत नहीं दिती है। वो किसानों का जो हालात हो 150 दिन हो गए उन्होंने उत्थे भुखे मरदों
सरकार किसी की गल नहीं सुनती। असं इस करके अज का जो प्रोग्राम है पंजाब सरकार ते मोदी सरकार के खिलाफ मुलाजम सारे साढ़े जिहड़े पंजाब स्टेट कर्मचारी दल दे इत्थे विंग ने जिवें कि बी एंड पीडब्ल्यूडी वाले सारे इरीगेशन ते तुहाडे पंचायत समिति सकत्तर जिहड़े हैगे होर सारे जिन्ने भी साढ़े डिपार्टमेंट है अज असीं रोस मुजाहरा कर रहे हैं ता कि सरकार की जिहड़ी माड़ी मोटी उन्होंने ध्यान च आवे क्योंकि इस टाइम जिहड़ा सरकार का वतीरा हैगा वो बहुत ही भैड़ा हैगा चाहे वह आम लोगों लिए होवे चाहे छोटे दुकानदार होवे चाहे छोटे मजदूर होण किसी वाले भी सरकार ने अज तक कोई लाभ नहीं दिता है। यूथ अकाली दल लुधियाना शहरी का एक बार फिर तो प्रधान बनाए जाने गुरदीप सिंह गोशा अज श्री अकालगढ़ साहिब मार्केट एसोसीएशन के दुकानदारों वालों सन्मानित किया गया। इस मौके विशेष तौर पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पत्रकारों के नाल गलबात दौरान गुरदीप सिंह गोशा ने जिथे श्री अकालगढ़ साहिब मार्केट के दुकानदारों का धन्यवाद प्रगटाया उत्थे ही कहा कि उन्होंने हमेशा तो इत्थे पूरा समर्थन मिलता रहा है। उन्होंने एक बार फिर तो भरोसा प्रगटाने लई पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया ते कहा कि जो जिम्मेवारी उन्होंने सौंपी गई है उसनू ओ तय दिलों निभाउणगे। उन्होंने कहा कि दुकानदारां दे कई मुद्दे पेंडिंग हैं जिन्हां नू लैके ओ आवाज़ चुकनगे। उन्होंने नशाखोरी नू लैके भी पंजाब सरकार ते हमला किया अते चोणां दौरान किते वादे तो पलटन का दोष लाया जबकि कोरोना नू लैके करफ्यू का समा वधाउण संबंधी दिते गए निर्देशों नू उन्होंने दुकानदार विरोधी दस्या। उत्थे ही लुधियाना अकाली दल दे बुलारे कमलजीत सिंह ने जिथे दुकानदारां दा धन्नवाद प्रगटाया उत्थे ही उन्होंने करोना महामारी नूं लैके पंजाब सरकार ते भी हमला बोलिया। उन्होंने दोष लाया कि करोना नूं सियासी पार्टियां ने अपना हथियार बना लिया है अते अपनी मर्जी दे मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग बड़े परेशान है जे अज मैं अकालगढ़ मार्केट च आया तो ये अकाल मार्केट मेरा अपना घर है। मैनू हमेशा तो शुरू तो चाहे बिजनेस है चाहे व्यापारी वर्ग के समस्या की गल कर लिए चाहे सोशलिज्म कर लिए तो चाहे कोई गल कर लिए राजनीतिक तौर पर तो मैंने इतने हमेशा आशीर्वाद मिलया। तो अज मैं इतने आशीर्वाद अकाल मार्केट तो लैन आया तो समस्या बनिया व्यापारियों ने 5 रुपए बिजली कैप्टन साहब ने की व्यापारियों इंस्पैक्टरी राज तो निजात दवाने की गल की बहुत मतलब माड़े काम करते अज लोग बड़े दुखी है तो व्यापारियों की जिते समस्या भी सुनेंगे तो उत्तर इन्हों ना ले जाके श्रोमणी अकाली दल के तर्जमानी देंगे क्योंकि व्यापारियों जे व्यापारियों की नहीं सुनी जाऊगी क्योंकि पंजाब के अंदर हर 90% लोग व्यापार करते हैं तो जे व्यापारी खुश नहीं है तो समझ लो कुछ नहीं अज व्यापारी बहुत दुखी है। ज़िला तरन तारण के पिंड नौशहरा टाला विखे बॉर्डर एरिए वसनीकों दहूलतों मुख रखते हैं विकास प्रोग्राम अधीन BSF की 71 बटालीयन वालों BOP नौशहरा टाला के कम्यूनिटी हाल में फ्री मैडिकल कैंप लगाया गया जिस विच औरतां अते मर्दां दीयां बीमारियां दा चैकअप किया गया। इस कैंप का उद्घाटन होपिंग हैंड वैलफेयर एसोसीएशन अमृतसर श्री जोगिंदर राज 71 बटालीयन द्वारा किया गया। इस मौके डॉक्टर बाल रेड्डी 71 बटालीयन डॉक्टर शैलेंद्रजीत सिंह डॉक्टर मनीषा डॉक्टर सिनू हैराज ने नौशहरा टाला के वसनीकों का मैडिकल चैकअप किया। इस मौके पिंड वासी मनजिंदर सिंह ने कहा कि जो उपराला 71 बटालीयन BSF ने किया है वह हर एक सरकारी महकमे नूं करन दी लोड़ है। असी तय दिलों इस 71 बटालीयन के सारे अफसर साहबाना का धन्यवाद करते हाँ। BSF की तरफ से जो अपने गाँव पर रहने वाले जो पॉपुलेशन है उसके लिए समय समय पर हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं। उसी के सिलसिले में एक मेडिकल कैंप आज लगाया गया है जो कि हेल्पिंग एंड सोसाइटी एक अमृतसर की है उसके संयोजन से लगा है जिसमें दो डॉक्टर्स आए हैं एक डॉक्टर शैलेंद्र है और एक डॉक्टर मनीला है एक ऑर्थो सर्जन है। ये जो अपने बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए बेहतर मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए किया गया है। ये जी साढ़े आज पिंड सरहदी पिंड नौशहरा टाला 71 बटालीयन BSF वालों जो भी कैंप लाया गया वा ये बहुत ही BSF का CO साहब का सारे स्टाफ का बहुत ही धन्यवाद तो बहुत वधिया काम इन्हें किया है। अज साढ़े पिंड हड्डियां दे माहर डॉक्टर पहुँचे ने जिस 100-150 भैणां भरावां ने अज हड्डियां दे डॉक्टरां नूं अपना चैकअप कराया है नाल फ्री जिहड़ी दवाई दित्ती आ। असीं कहिंदे इदां दा काम हर समाज के जिन्ने भी आ होर भी महकमे उन्हां नूं करना चाहीदा वा बहुत ही वधिया काम आ क्योंकि साडा पिंड बार्डर ते होण करके सानू इन्हां चीज़ां की बहुत ज़्यादा दिक्कत है पर अज BSF ने बहुत वधिया काम किया इन्हां दा तहे दिलों धन्यवाद करदे आ। ये BSF वालों की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें जो गाँव के जो लोग हैं जिनको ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों ने मिल के सारा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है जिससे कि जो हड्डियों के डॉक्टर साहब हैं बाकी मेरी तरफ से जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स के या स्किन की प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम्स के जो हैं
लेडीज़ को, उनको डील करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और फ्री मेडिकल कैंप है, कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि ये इस दूर दूर तक पहुँचे। पंजाब सरकार के 4 साल पूरे होने सूबा सरकार वालों आयोजित की गई नवा नरोआ पंजाब मुहिम तहत लुधियाना के सर्कट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच मेयर बलकार सिंह संधू, सीनियर विधायक सुरेंद्र डावर, कैबिनेट मंत्री भरत भूषण आशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। इस मौके कैबिनेट मंत्री भरत भूषण आशु की पत्नी और कौंसलर ममता आशु समेत लुधियाना प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद सन। कांग्रेस नेतावान ने दावा किया कि पिछले 4 सालों दौरान पंजाब सरकार ने राज में शानदार विकास किया है, खासकर कोरोना काल च ते पिछले 4 सालों दौरान राज विच उद्योगिक विकास भी होया है। उन्होंने दावा किया कि उद्योगों लई इको विंडो सिस्टम बनाया गया है, जिस विच समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। देखो, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जी पंजाब साड़ी सरकार कांग्रेस पार्टी चल रही है, इसमें 4 साल पूरे हुए हैं, पहला भी दस के हटे हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों नाल अपने मैनीफेस्टो च प्रोमिस किए थे उन्होंने एक एक करके पूरा किया जा रहा। जिदा उन्होंने कहा कि भाई मैं नशे का लक तोड़ांगा, और नशा पंजाब दे विच काफ़ी हद तक कंट्रोल होया, वो नाल नाल जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की बेअद भी हुई सी, वो जिहड़े बंदे ने भी चार्जशीट किए गए हैं। बाकी जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच मैटर है, और किसानों का देखो 2 लाख तक का किसानों का 5,000 करोड़ रुपया किसानों को कर्जा माफ़ किया गया, जिहड़े उन्होंने कहा कि भी बच्चों नूं असी अपना देंगे टैलीफोन मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन भी दिते गए। माई भागो स्कूल, माई भागो स्कीम के तहत बच्चों साइकिल भी दिते गए। मतलब सो हर काम जो एक एक करके सारा सरकारों डिवेलपमेंट के काम चंगी पद्धर से पंजाब के चल रहे हैं। मेरे हल्के 100 करोड़ के काम विकास के काम चल रहे हैं, मेयर साहब साढ़े बैठे ने, और सारे इलाकों के विकास के काम चल रहे हैं। जो सा आने वाला चुनाव है, असी विकास के नाते लड़ना। जो करोना का पीरियड आया, तुम्हें पता है करोना के सारे देश के बल्कि विदेशों के भी जी करोना महामारी बड़े जोर नाल फैली, वो दौरान कैप्टन साहब ने तो काफ़ी कंट्रोल किया, और तुम देखो समय रेंदे उन्होंने लॉकडाउन करता, करफ्यू लाता ताकि लोगों को राहत दे सके। और मैं अपने हल्के दे विच बैठे ने मेयर साहब 1.5 लाख बोरी राशन भारत भूषण आशु जी ने मैं भेजा, मैं 1.5 लाख बोरी राशन दिता, 7 जगह लंगर लगा के रखे, हर जगह से 2-2 हज़ार बंदा लंगर बनता सी, ताकि मैं चाहता सी कि सेंट्रल कंस्टिट्यूएंस का कोई भी बंदा भुखे पेट खाली पेट ना सोवे। बटाला नज़दीक थाना रंगड़ नंगल अधीन आउंदे पिंड जैतों सरदार विच उस समय दिल दहला देन वाली घटना सामने आई जदों गुजरी दे रात पिंड विच रहन वाले साबका फौजी हरपाल सिंह पुत्र हरभजन सिंह उम्र 39 साल दी पिंड दे ही रहन वाले एक व्यक्ति गुरप्रेम सिंह पुत्र तारा सिंह दे वल्लों पुरानी रंजिश दे चलदे गोलियां मार के हत्या कर दी गई। इतला मिलते ही मौके उत्ते पुजे पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिवारक मैंबर के बयान के आधार उत्ते IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए अगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। फरार आरोपी की गिरफ्तारी लिए छापेमारी की जा रही है। ये मेरा साला है छोटा जी, ये फौजी रिटायरमेंट होया सी, हरपाल सिंह काला जी, 39-40 साल उम्र है जी। ये शामी धारा कढ के आउंदे अपने डेरे तो जी, जीतो सज्जा पिंड इन्हों का जी, ये धारा कढ के आउंदे मगर मेरी साली घर बैठी हुई है जी। ये जिहड़े बंदे ने मारिया प्रेम सिंह ने, गुरप्रेम सिंह ने जी, वो दी कोठी अगे जिन्हों आए उन्हें पिस्टल कढ के ते गोली मारी है जी। पहला ये जिस टाइम से डिग पिया, डिगन तो बाद उन्हें फिर गोलियां मारिया जी। आप मौके तो फरार हो गया गड्डी लैके जी। किस गल्लों मारे? इन्हां दी पुरानी घर से चलती गई जी। हाँ जी, ये भी 25 साल हो गए। इहदी कुड़ी जी मेरे साले नूं कढ के लै गई उस टाइम ते जी। साला मेरा पिंड पढ़दा सी जी, अंबरसर लै गए, उत्थे जाके फड़े गए सी इह जी। तो उत्थे पंचायत इहदी कुड़ी ने कहा सी मैं विआह इहदे नाल करवाउणा ते मैं मर जाणा जी। इहने उदों पछकार के कुड़ी अपनी लै गई इत्थे जी, हुण बाहर कढ़ती कुड़ी जी उहने। तो कुड़ी इहदी विआही ढलवाउण लगे जी, ਉਹ ਖੈਰ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। LOC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ LOC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
उस दे कदम नियम आधारित उस प्रबंध लई खतरा हन जो आलमी स्थिरता कायम रखता है। बाइडन दे अमरीकी राष्ट्रपति वजों अहुदा संभालन तो बाद अमरीका ते चीन दे सिखरले अधिकारियों की आमो सामने हुई पहली मीटिंग च दोवां धिरां ने एक दूजे प्रति अते दुनिया बारे एक दूजे तो बिल्कुल उल्ट विचार पेश किए। अलास्का दे एंकरेज चल रही अमरीका चीन वार्ता च ब्लिंकन ने कहा कि उन्हां दे वफद वलों चुके गए मुद्दे दोवां मुल्कां लई प्रसंगिक हन। ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन प्रशासन अमरीका दे हितां नूं मजबूत करन ते नियम आधारित कौमांतरी प्रबंध नूं मजबूत करन लई कूटनीति नाल अगवाई करना चाहुंदा है। इस मीटिंग च कौमी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन भी शामिल होए। दोवें आगुआं ने चीनी हमरुतबा वांग यी ते यांग जीएची नाल मुलाकात की। ब्लिंकन ने कहा असीं शिनजियांग होंगकोंग ताइवान च चीन की कार्रवाई अमरीका ते साइबर हमले अते साडे सहयोगियों नूं आर्थिक तौर पर कमज़ोर किए जाने बारे भी चर्चा करांगे। दूजे पासे योंग ने कहा कि चीन कुछ मुल्कां वल्लों पैरवी की गई अखौती नियम आधारित कौमांतरी प्रणाली नूं नहीं मनता। उन्हां कहा चीन ते कौमांतरी भाईचारा जिसका पालन करता है कि वह संयुक्त राष्ट्र केंद्रित कौमांतरी प्रबंध है ना कि कुछ देशों का अखौती नियम आधारित कौमांतरी प्रबंध। योंग ने कहा कि चीन अपने मुल्क के अंदरूनी मामलों अमरीका के दखल का विरोध करता है। इस सुलिवन ने कहा कि वाशिंगटन चीन नाल कोई टकरा नहीं चाहता पर वो अपने लोगों ते अपने दोस्तों के सिद्धांतों लई हमेशा खड़े होंगे। अमरीकी संसद के हेठले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने एक अजिहा बिल पास किया है जिस मुताबिक बचपन तो गैर कानूनी रूप नाल अमरीका विच रह रहे प्रवासी लोगों लई नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। इस नाल करीब 5 लाख लोगों नूं फायदा होगा। हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने अमरीकन ड्रीम एंड प्रोमिस एक्ट नूं 228 ते 197 वोटों के अंतर नाल पास कर दिता अते उसनूं सैनेट दे विचार लई भेज दिता गया है। इस बिल नाल अजिहे लोगों लई भी नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा जिन्हां नूं कानूनी निगरानी विच रहना हुंदा है अते उन्हां नूं वापस उन्हां दे देश भेजन की गल भी चलती रहती है। अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस इस बिल नूं पास कर दे जिस नाल करीब 1.1 करोड़ प्रवासियों नूं देश की नागरिकता मिलन का रस्ता साफ हो जाएगा। इस नूं अमरीका दे इमीग्रेशन सुधार की दिशा में वड्डा कदम दस्या जा रहा है। दरअसल अमरीका विच कानूनी दर्जे दे बिना रह रहे लोगों की संख्या 1.1 करोड़ के करीब है अते इस नवे कानून के प्रभाव विच आउण नाल इन्हां नूं नागरिकता का अमली जामा पहनाया जा सकता है। इस कानून नाल सीधे तौर पर भारत के करीब 5 लाख लोगों नूं फायदा होगा। जो बाइडन ने कहा कि वह इस बिल का समर्थन करते हैं अते इस महत्वपूर्ण कानून नूं पास करन लई प्रतिनिधि सभा की शलाघा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह अस्थाई सुरक्षित स्थिति धारकों अते इत्थे रहन वाले प्रवासियों अते बचपन विच ही अमरीका आए नौजवानों नूं बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा। इस बिल नूं हुण सैनेट विच पेश किया जाएगा जिथे पास किए जाने तो बाद जो बाइडन के दस्तखत करन दे बाद यह कानून की शकल लवेगा। अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड आस्टिन 3 दिन की यात्रा से भारत पहुंचे। इस तो बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के नाल मुलाकात की। अहुदा संभालने तो बाद यह उन्होंने पहली विदेशी यात्रा है। वह 21 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। आस्टिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाल भी मुलाकात करेंगे। इस गलबात डिफेंस डील से भी सहमति बन सकती है। आस्टिन राजनाथ सिंह विचाले इंडो पैसिफिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। अमरीकी सैनेट की विदेश संबंधी कमेटी के मुखी बॉब मैनेडेज ने आस्टिन के भारत दौरे तो पहला उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। इस पर विवाद शुरू हो गया। मैनेडेज ने चिट्ठी विच आस्टिन तो भारत की यात्रा दरमियान इस 400 डील का मुद्दा उठाने लिए आख्या है। मैनेडेज ने चिट्ठी विच लिखा है कि तुसी भारतीय अधिकारियों को यह स्पष्ट तौर पर दस दौ कि अमरीका भारत और रूस की यह डील पसंद नहीं है। इस तो बाद जे भारत रूस तो इस 400 खरीदता है तो उसते काउंटिंग अमरीका एडवर्सरीज फॉर सैक्शन अधीन पाबंदियां लगाईयां जाणगियां। इस नाल अमरीका अते भारत दरम्यान मिलिट्री टैक्नोलॉजी लई चल रही डिवेलपमेंट भी हौली हो जाएगी। दरअसल अमरीकी कंपनी बोइंग अते लॉकहेड भी अपने लड़ाकू जहाज़ भारत नूं वेचना चाहुंदी है जिसके चलते अमरीका रूस नाल हुई भारत की एस 400 की डील नूं रोकना चाहुंदा है। तो इस नाल ही खबरों का अज का यह बुलेटिन इत्थे खत्म हुंदा है। वधेरे खबरों की जानकारी दे लई तुसीं बने रहो पंजाब मेल USA TV के नाल ते मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।